अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, IIT 205 जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, उसमें हमने एनवायरनमेंट क्रिएट करना है वेबसाइट्स का। ठीक है, कि जो हमने वेबसाइट बनानी है इसको यूज करते हुए, तो उसका एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे। हमने अपने लोकल मशीन को सर्वर बनाना है, अपनी लोकल मशीन का जो क्लाइंट बनाना है, ताकि हम अपने लोकल मशीन के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर वो तमाम तर चीज़ें सीखें जो हम ऑनलाइन जब हम इसको करेंगे, अपने किसी प्रोजेक्ट को, कोई भी वेबसाइट बना के उसको होस्ट करेंगे, तो इन चीज़ों के बारे में मैं पहले प्रैक्टिस के तौर पर अपने सर्वर पे जाता हूँ। अच्छा, टॉम कैट आपने इंस्टॉल करना है। टॉम कैट जो है सर्वर साइड पर इस्तेमाल होगा। एक्लिप्स जो है वो आईडीई है आपके जो जावा प्रोग्रामिंग के लिए, जेएसपी के लिए। अच्छा, अब इसमें आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं, एक्लिप्स की जगह पे नेटबीन्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे जो है आईडीज है, आईडी से मुराद है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं, ये टूल होता है प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए। तो ये टॉम कैट जो है, जिस तरह अपाची सर्वर है, टॉम कैट अपाची सर्वर है, तो ये भी इस्तेमाल होता है सर्वर साइड के लिए, सर्वर बनाने के लिए। तो आपने इसको भी इंस्टॉल करना है, तो इसको आपने डाउनलोड करना है। आप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपने लिखना है डाउनलोड इक्लिप्स, ठीक है, फॉर जावा। तो आपके सामने ये एक वेबसाइट आएगी, इसमें इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर, जावा डेवलपर के लिए आपने इंस्टॉल कर लेना है। आपने ये देखना है कि आपका जो सिस्टम है, अलाउ कुकीज कर ले उसको, कुकीज कौन सा है जिसपे 32 बिट है, विंडोज है यूज़ कर रहे हैं कौन, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे आ जा रहा है। तो चूँकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ और 64 बिट है, तो ये फिर इसको मैं डाउनलोड करूँगा। ये डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे क्लिप्स रखा हुआ है। ठीक है, फिर इसी तरह अपाची को मैंने डाउनलोड करना है, तो नेट से सर्च करूँगा, जब ये डाउनलोड में हमारे पास आ जाएगा अपाची को डाउनलोड करना है, तो इसका 10 वर्जन जो है लेटेस्ट वर्जन आपने यूज़ करना है। इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें, अपाची टॉम कैट है, ये सॉफ्टवेयर है जो सर्वर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये आपके लोकल मशीन पर सर्वर बन जाता है। इसमें आपने ये वाला इंस्टॉल करना है 64 बिट, ये वाला। अगर आपके पास 64 बिट और 32 बिट इंस्टॉलर नहीं है, तो इस ये वाला इंस्टॉल कर लें। अगर आप 64 बिट सिर्फ सिंपल है, तो ये वाला इस्तेमाल कर लें। और भी बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए डिफरेंट होगा आपके लिए। तो मैंने ये डाउनलोड करके रखे हैं, इनको फिर मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट जो है ना, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ करना क्या। ये तो सिंपल है, टॉम कैट अपाची टॉम कैट की जो इंस्टॉलेशन है, तो सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट इसको करते जाएंगे तो ये इंस्टॉल होता जाएगा। इसी तरह क्लिप्स का भी इसी तरह दोनों इंस्टॉल करने हैं। इंस्टॉल कर जब आपने टॉम कैट इंस्टॉल करना है, तो फिर आपने उसको इंस्टॉलेशन में इसमें चीज़ याद रखिएगा कि उसको सच एज इट इंस्टॉल नहीं होता, जिस तरह वो है। ये इसमें कुछ इसकी फाइल है, ये आपने इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करके ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ पे आप इसको कहते हैं कि ये डिलीट ना हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको रख दिया एक्सट्रैक्ट करके। ये ऐसी फाइल है, इसको इंस्टॉल नहीं करना। मैं फिर आपको तरीका बताता हूँ कि आपने इसके साथ कॉन्फ़िगर कैसे करना है। ठीक है, जो क्लिप्स है वो आपने डाउनलोड करके, इसी एक्सी फाइल है ना, एक्सी फाइल है ये, आपने इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर सिंपल आपने डबल क्लिक करना है और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है।
टेक सम टाइम, तो मेरे सिस्टम पे दो वर्चुअल मशीन्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, मैंने उनके जो पोर्ट्स हैं वो डिफरेंट की हैं, इसलिए मैं डॉम के जो है ना, वो जब इसके साथ मैंने किया तो उसकी जो पोर्ट है वो मैंने चेंज नहीं की, बाकी जो मैंने वर्चुअल मशीन से बनाई थी अपने लिए, अपने सिस्टम के लिए, मैं चूँकि मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहा हूँ तो डिफरेंट सिनेरी पर काम करता हूँ, तो फिर डिफरेंट है वर्चुअल मशीन के साथ जुड़ा सिस्टम है, इसलिए थोड़ा सा ये स्लो भी है, तो इंस्टॉल करना है अपने इक्लिप्स को। ठीक है, तीसरा जो इसका पॉइंट है कि जब ये इंस्टॉल हो जाएगा इक्लिप्स, इसमें ये जो है इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर, ये आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, और कोई नहीं, क्लियर है, ये वाला आपने इंस्टॉल कर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में करते चलेंगे, जब इंस्टॉलेशन के बाद जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो आप स्टार्ट मेन्यू में मेरी चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे इसको क्लिक करें और ये ओपन हो जाएगा। मॉडरिंग के साथ ये सिस्टम मेरे वाला थोड़ा सा स्लो है, अच्छा जब आपने ये सिस्टम को इंस्टॉल कर लेना है, क्लिप्स इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर आपने इसको अटैच करना है किसके साथ है, अपाची सर्वर के साथ, ये इसकी हेल्प में जाएंगे, ठीक है, और इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आप क्लिप्स यूज कर रहे हैं तो क्लिप्स के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे सर्वर, ये वेब एक्सेल सर्वर है, ठीक है, तो इसके अंदर सर्वर की दो ऑप्शन आएंगी, ठीक है, ये चूंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो वो जो दो सर्वर की ऑप्शन आएंगी उसके ऊपर आपने भी क्लिक करके फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, और फिर ये यहाँ पे ये सर्वर वाली टैब आनी शुरू हो जाएगी, मैं एक वीडियो का लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा, तो ये सर्वर वाली, तो इस पे ये है कि इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, ठीक है, इसको स्टार्ट करें, स्टॉप हुआ सर्वर, अलाउ करें एक्सेस को, ये सर्वर को एक्सेस आपने अलाउ करना है, इस सर्वर को अभी इंस्टॉल है, इसको चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे लोकल होस्ट, बाय डिफॉल्ट ये जो कोड लेता है वो 8080 लेता है, तो इसका मतलब है कि स्टेटस जो है इसको फाइल नहीं मिली लेकिन सर्वर अपाची डॉम पैच के चल रहा है, ठीक है, तो सिंपल सा है कि आपने ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आपने क्लिप्स डाउनलोड करना है, आपने अपाची डाउनलोड करना है, फिर एक वीडियो का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, फिर उसमें वो भी आपने चेक करना है कि अपाची को और एक्लिप्स को आपने इंटीग्रेट कैसे करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपको दूंगा, ठीक है, चूंकि ऑलरेडी मैंने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया, मैं अनइंस्टॉल नहीं करना चाहता, ठीक है, तो काफ़ी सारी वेरिएबल्स जो है मशीन लर्निंग की वजह से मैंने, मतलब कि इसके ऊपर मैंने बहुत टाइम लगाया तो मैं अनइंस्टॉल नहीं करना चाहता, वो वीडियो आपको मैं दे देता हूँ, उसी वीडियो से आप देख के तो इंटीग्रेट कर देना है, तो ये टास्क है ये लाजमी परफॉर्म करना है आपने हर सूरत,